Peace and wellness, certified post.
इस कॉज का हिस्सा बन सकूँ। पर्सनली मैं यहाँ पे पहली बात प्लीज एक ताली हो जानी चाहिए सबके लिए, बिकॉज दे आर वेरी दे ऑल लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सीरियसली काफ़ी अप्रिशिएशन आप लोग के लिए। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे पर्सनली एनिमल्स बहुत पसंद है, आई लव एनिमल्स। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की, जहाँ तक अभी हमेशा देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जंगल काटे जा रहे हैं और एनिमल्स को मारा जा रहा है। रियली धीरे धीरे हमारी ग्रीनरी कम हो जा रही है और पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। Shows with ZTV, right, Colors TV, and he wants to say something very, how would I say, precious about this walk and the cause. So Rohan, this is all for you. Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all here, and mostly I would say ki yahan pe bahut logon ko nahi pata hai ki ye what it is for. It's for a very noble cause. I would like to tell you, each and every one of you. Basically, we are working on 6 causes. One of them is child trafficking, and the other one is preventing children from sexual abuse. So, I am working here for he, for she. So basically, I am working for the women, and I would stand for women, gender equality. So, what I would like to say is, Vani, the founder of Faith Foundation, she is doing a tremendous job. And me, there is no need for guys to stand by women to make them strong, because eventually women are anytime stronger. So we don't need anyone. Like, let's say we have huge examples of this Sania Mirza and many pioneers like that. So eventually I am here to support this cause wholly, solely, not only one cause, he for she, but each and every one of them. So please, aap sabhi bhi support kijiye and enjoy yourself. Thank you so much. Thank you. Ab main bulana chahungi aapki. पहले बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली एक और इवेंट मुझे मिला और मैं इसका पार्टिसिपेंट, एक्चुअली बेसिकली अगर मैं इस कॉज के लिए आया हूँ तो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली लास्ट कॉज में भी चला था मैं, ठीक है, ऐसे विक्टिम्स के लिए। तो आई ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट ईच एंड एवरी कॉज, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो ऐसे विक्टिम्स के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। तो आई ऑलवेज सपोर्ट एंड आई एम ऑनर्ड कि मैं यहाँ इसका यहाँ पे आया और यहाँ पे थोड़ा सा प्यार देख के। मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज ऐसे जो कॉज रहते हैं उसके अंदर हम लोगों को दिल से सपोर्ट करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मुझे बड़ा, मतलब एंटरटेनमेंट का तो बड़े सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं और मुझे खुद ही नहीं पता था जब मैं बिग बॉस में थी कि मैं वाकई में इतना ज़्यादा एंटरटेन कर रही हूँ लोगों को। कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर भी, बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम जरूर से उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। बिग बॉस के बाद काफ़ी बिजी है जी, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी? बहुत सारे काम हैं अभी इंशाल्लाह, अभी बहुत, अभी फिर से मैं जी के शो में आप लोगों को नज़र आऊँगी। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक रियलिटी शो के लिए कन्फर्मेशन सेंड किया, तो काम है। अभी मुझे इंडिया कॉन्क्लेव अवार्ड मिलने वाला है 6 जुलाई को, जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स रहेंगे, तो वो प्रेस्टीजियस है और बहुत बड़ा अवार्ड है। आज सुनने में आता है कि मतलब आप सोशल वर्क में ज़्यादा जाना चाहते हैं, मतलब उसके लिए वर्क करना चाहते हैं, जैसे अपने के लिए जी, और फाउंडेशन भी आप चाहते हैं जी? मतलब कोई अपना बिल्कुल अभी तो नहीं, लेकिन हाँ एक साल के बाद मैं ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज अभी हमें पूरा इंडस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि 5 महीना हुआ है बिग बॉस से निकल के, तो अभी पहले काम कर लें, उसके बाद एक साल के बाद खूब अच्छे से करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्लास्टिक का, जो भी सामान लेकर आते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है, और उस एक तो खुलती नहीं है, मेरी तो बचपन से आदत है मैं उसको फाड़ देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गया उन्होंने। थैंक यू। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम रोहन प्रताप सिंह है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करता हूँ वानी जी को, जिन्होंने इतना स्पेशल कॉज
बच्चों के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, चाइल्ड एक्सप्लोटेशन ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए उन्होंने इतना बीड़ा उठाया है और इतना अच्छा इवेंट खड़ा किया है, और ये बच्चों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ये अवार्ड, और वानी जी को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो मुझे एक उन्होंने एक इस इज्जत से नवाजा है, बेस्ट टैलेंट, बेस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट मेल टेलीविजन, तो शुक्रिया उनका बहुत बहुत। आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, कितना अच्छा लगा स्टेज पे आके अगर ये चीज़ अवार्ड शो के बीच में, आप कितने अभी तक फैशन शो वगैरह अटेंड कर चुके हैं? जी मैं मैंने 8 साल मॉडलिंग की है पहले, तो रैंप पे चलना तो ऐसा है कि मैंने 60 से ज़्यादा रैंप शोज़ किए हैं, तो बट ये है कि एक कॉज के लिए चलना और बच्चों के लिए स्पेशली, और जो इतना नोबल कॉज है, यूजुअली क्या होता है कि एनजीओज जितनी भी खुली हैं एनजीओज के नाम पे डोनेशन होता है और उसका यूज़ नहीं हो पाता है प्रॉपरली, बट जो वानी जी हैं आप पर्सनली उनसे मिलेंगे एंड शी इज़ सच अ नाइस पर्सन, क्योंकि आई एम 100% श्योर जो भी चीज़ें डोनेट होती हैं वो उसका पूरा यूज़ करते हैं और बहुत उसको अच्छे कॉज के लिए यूज़ कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो इस कॉज को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बढ़ चढ़ कर जो हम कर पाएँ, बीट मनी, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हम कुछ भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ इस कॉज के लिए तो आई वुड बी मोर देन थैंकफुल एंड आई वुड बी ओब्लाइज्ड। आज सेलिब्रिटी होने के नाते आज जो होता है एब्यूज या उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज सेलिब्रिटी होने के? जी देखिए बीइंग मैं एक सेलिब्रिटी बात नहीं करूँगा, मैं एक इंडिविजुअल होने के माध्यम से मैं बात करूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं वो डॉक्टर हैं पंजाब में, तो ही वाज आल्सो टेलिंग मी कि पंजाब में और इंडिया वाइड 30% से ज़्यादा बच्चे 8 साल से पहले ही दे हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड, बीट कोई रिलेटिव के थ्रू या बीट किसी के भी थ्रू, तो और उनको बच्चों को पता भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ, एंड जब उनका मेडिकल होता है दे गॉट टू नो कि यार ये क्या हो गया बच्चों के साथ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ को अवेयर करना चाहिए, पेरेंट्स रेदर थोड़ा बात करें बच्चों के साथ ताकि अननोन लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस बनाया जाए और ये चीज़ें ऐसी प्रिवेंट हो सकें, और बीइंग अ टीवी स्टार मैं ये चीज़ कहूँगा कि मेरे से जो भी हो पाएगा आई विल डू फॉर दिस कॉज। थैंक यू। Is this chance? I'm not supporting this cause, I'm supporting myself. I'm supporting everyone who's like me. I'm supporting everyone who's not conventionally conventional. I am supporting everyone who hides something in heart and does something else. And I want them to come out and be themselves. Ek hi zindagi hai, one life. Live as you are. Whole world cannot do anything unless you want to do something. I support breaking the gender barrier. Thank you. देखिए ये फेथ फाउंडेशन और संरक्षण का जो एक उद्देश्य है छोटे बच्चों और लड़कियों और इन लोग के भविष्य के लिए और एक अच्छा स्वस्थ समुदाय, एक समाज देने के लिए, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और हम बिल्कुल साथ देते हैं ऐसे किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से पहुंचने तक, ताकि उनका हौसला बढ़े और ये हो कि लोग इससे जुड़े, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी हमारे समाज में तो समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि सिर्फ हम या हमारा समाज सिर्फ सरकार के सरकार पर ना भरोसा रखते हुए आपसी तालमेल बिठाल करके क्या सही है क्या गलत है, किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे करके तो हम लोग एक से बढ़कर दो, दूसरे वर्ष तीन से चार, तो हमारे समाज में एक स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ मदद की एक मुहिम जुड़ेगी और जिससे अच्छा समाज डेवलप होगा। और जैसे कि बोला ही जाता है आजकल तो स्लोगन भी चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सिर्फ बचाने और पढ़ाने के अलावा एक स्वस्थ समुदाय की, ताकि वो यहाँ पर रह सके एंड और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, उसके लिए हम बिल्कुल साथ देते हैं फेथ फाउंडेशन एंड संरक्षण। अपने आप में अलग है कुछ आदि फैशन शो अक्सर होते हैं, हाँ एक कहना नहीं चाहिए जैसे साथ में काम करने वाली, हाँ उसकी मालकिन माँ पूरी फैमिली की तरह जुड़ा हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक नया आयाम है, दिस इज़ एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि जिसके तरीके से हम लोग किस किस तरह से इंटरेस्टिंग वे में इस कॉज को सबके सामने लाए,
सो हमें तो बहुत अच्छा लगा, लाइक्ड इट। आपका कैसे हो गया, कुछ रैंप पे आप भी नजर आएंगे? नजर तो आएंगे, किसके साथ आएंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इसीलिए आए हैं कि ताकि इन लोगों का हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू। आपका नाम और आज के इवेंट की बात करें। ओके, तो क्या नाम बोलूँ या ये भी बोलना है? आपका परिचय? गुड इवनिंग, मेरा नाम सुधांशु पांडे है और मैं आज यहाँ पे फेथ फाउंडेशन का ये इवेंट अटेंड करने आया हूँ और इसको इस इनका जो कॉज है जिसको आज यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का जो कॉज है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे। सर, अपने आप में काफ़ी अलग है आज ये फैसला, तो अक्सर होते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन अपने आप में अलग क्या अलग बताना चाहेंगे? कॉज अलग है, रीज़न अलग है और इसका सेंटिमेंट अलग है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रीज़न है कि इसको जितना आप सपोर्ट करें उतना कम है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट इविल्स इन आर सोसाइटी। आप क्या कहना चाहेंगे इस शो के बारे में? हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ईविल के अगेंस्ट लड़ें। एज हमारी वानी मैम ने शेयर करा कि 53% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ अब्यूज्ड एंड उसमें मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वी आर डेफिनेटली हेल्पिंग देम एंड वी आर ट्राइंग एंड वी आर थैंकफुल टू मिस्टर सुधांशु टू बी हियर एंड हेल्पिंग अस फॉर द कॉज। हाँ, दिस इज़ अ सीक्रेट, यू हैव टू वेट एंड वॉच, सो वील ऑल द टाइम टू यू टू सी हु इज़ कमिंग ऑन द रैंप। देखिए, मैं अगर आप सिर्फ रैम की बात करेंगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत रैम से ही करी थी। आई वॉज़ अ फैशन मॉडल फॉर द फर्स्ट फोर फाइव ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आई हैव डन शोज विद ऑल द टॉप डिज़ाइनर्स ऑफ द कंट्री, वेदर इज़ रोहित बाल, जे जे वलाया, ऑल द टॉप और टॉप गाइज। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट विद। बट आज मैं जिस कनेक्ट की वजह से यहाँ पे आया हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। वी आर डेफिनेटली वॉकिंग द रैंप, बट इट्स नॉट फॉर फैशन, बट टू सपोर्ट अ वेरी 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 ग्रेट कॉज एंड इट्स अ प्लेजर टू बी डूइंग समथिंग एज डिफरेंट एज दिस इज ऑन द रैंप। पूरी फैमिली पहुंची है, कोई है तो उसकी मम्मी भी आई है, उनके बच्चे भी आए हैं, घर में काम करने वाले जो जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना गहराई से मैं नहीं सोच रहा हूँ कि कौन कौन चलने वाला है। मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मैं यहाँ पे इसलिए आऊँ कि अगर मेरे आने से यहाँ पे किसी के थॉट प्रोसेस में या किसी की अवेयरनेस में अगर थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए या और अवेयरनेस बढ़ सके, तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट थ्रू दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है सर अभी? रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है? आई थिंक वील डिस्कस दैट लेटर, थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब आप जान के मानेंगे जी। मेरी मैं अभी कुछ दो फिल्मों के लिए शूट कर रहा हूँ और एक मेरी फिल्म रोबो 2.0 रजनीकांत के साथ वो रिलीज़ पे है, बट वो आई थिंक अभी नेक्स्ट ईयर जन। लोनी जी क्या कहना चाहेंगे, आज पूरी फैमिली के साथ पहुँचे हैं, बताना चाहेंगे क्या है आज सब पहुँचे हैं? हाय, आई एम नवनिधि के वाधवा, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज एशिया, वुमेन ऑफ यूनिवर्स, एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट द कॉज, रैम्प द कॉज, बिकॉज यू नो आई हैव वंस दे अप्रोच मी फॉर द एसोसिएशन, आई हैव डन रिसर्च वेयर इट सेज दैट आफ्टर एवरी 15 सेकेंड एनी चाइल्ड यू नो दे हैव टू लूज, दे हैव टू ड्रॉप देयर चाइल्डहुड एंड गेट इन टू द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। सो दिस इज़ अ नॉबल कॉज विच वानी हैज स्टार्टेड, आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर for the initiative she has taken, and I'm very happy to be associated, and today my daughter, younger daughter Dunyasha, my mother and my domestic help, she's going to walk with me, they all are going to walk with me. Kitna khushi ka mauka hai ki mummy ghar pe dekhti hain lekin aaj samne hai ki meri beti kaise ramp pe utrengi, kya hai सब साथ में आए, आपके काम वाले नहीं कहेंगे आपके एक साथ में? ये तो मेरे मतलब ये मेरी तीसरी बेटी है, ऐसा है, मेरी दो बेटियां हैं तो ये मेरी तीसरी बेटी है, तो इसको इसलिए मैंने इसको ये हमारी फैमिली का ही हिस्सा है,
तो इसलिए हम पूरी फैमिली आज इकट्ठे रैंप वॉक करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, नवनिधि की मम्मी हैं और मैं नवनिधि पहली बार साथ पहुंचे हैं। मैं नवनिधि मम्मी की मम्मी होने के लिए मैं बहुत, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी बेटी की मम्मी हूँ और भगवान करे सबको ऐसी बेटियाँ दे। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इसको और ज़्यादा नेम एंड फेम मिले और ज़्यादा अवसर मिले और ये सफलता प्राप्त करे और अपने और अपने परिवार के नाम को चार चांद लगाए। आपके घर में काम करते हैं, मतलब एक परिवार की तरह रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी बेटी के बराबर है, हम इसको अपने बच्चों के बराबर ही प्यार करते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं। तो मैं इसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे इसकी, जब मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ तो मुझे इसकी बहुत याद आती है। वी लव हर टू मच। क्या कहना, क्या नाम है आपका? माया। माही, कहाँ के रहने वाले? लोनावाला के। लोनावाला के। क्या कहना चाहिए आपने, मालकिन तो नहीं कहेंगे, अपनी दीदी के साथ पहुँचे हैं आज रैंप पे, कितना अच्छा लगेगा घर में काम करते हैं यहाँ पर, एक साथ में चलना, कितना खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनके घर पे काम करती हूँ, ऐसे घर के जैसे ही लगता है और सबको ऐसी दीदी मिल जाए ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। करके हैं आप आज? कुछ नहीं की, सब उन्होंने ही तैयारी की। क्या तैयारी की आपने? सब, मतलब वो बोल रहे थे ऐसा वैसा सब लेके आई यहाँ पर ही सब तैयारी। आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयार, वो आपको तैयार करते हैं लेकिन आज आपने उसको तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं पहले हमेशा मैं ही रैंप वॉक करती थी, ये सब क्राउन जीते सब किया, अब आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार रैंप वॉक करेगा, दैट फॉर अ कॉज, दैट फॉर अ नॉबल कॉज, सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली फीलिंग वंडरफुल। आपकी बेटी जानना चाहिए, क्या नाम है बेटा आपका? पहले क्वेश्चन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुनिया आशा। आज मम्मी के साथ रैंप पे उतरेंगे आप, कितनी तैयारी करके आए हैं आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कितनी खुशी है आपको? मैं तो बॉर्न स्टार हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे नवनीत जी आप फैमिली के साथ आज ऐसे मौके पर? एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मुझे, यू नो, आई एम फीलिंग स्पीचलेस, मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के, मैं कितना खुश हूँ आज, सो I am really happy today. नजदीक में रहो ना सर। या